आमतौर पर हमारी पार्टी का विस्तार संघर्ष और संगठन इन दो पटरी पर हमारी पार्टी चलती रही। देश हित की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहना, संगठन को बढ़ाते चलना, कार्यकर्ता का विकास करते रहना, लेकिन राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए दल को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि देखते ही देखते राजनीतिक दल स्वयं ही अपने आप में सरकार का हिस्सा दिखने लग जाता है। और 70 साल का हमने इतिहास देखा है कि दल और सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में एक छोटी सी लकीर भी नहीं बची थी। तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 2014 से 2019 के दरमियान भी कि हम सत्ता में रहते हुए दल को, दल की गतिविधि को, दल के कार्यकलापों को, दल का जनसंपर्क वाला बात को, हर चीज में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे। हम किसी भी हालत में सरकार और दल के बीच की जो लकीर है उसको कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसमें जो आवश्यक मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पूरी तरह पालन करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि अमित भाई के नेतृत्व में बीता हुआ जो कार्यकाल है जिसमें, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए संघर्ष करना संभव नहीं होता है, ऐसे समय दल को चलाना और दल को बढ़ाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हमने उस चुनौती को बड़ी आसानी से पहले की तुलना में पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ाई है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के द्वारा पली बड़ी पनपी हुई पार्टी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज नहीं तो कल कभी न कभी एकेडमिक वर्ल्ड के लोग इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार भी किया है, विकास भी किया है, जन आकांक्षा अपेक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है। समयानुकूल परिवर्तन की जहां आवश्यकता रही है वहां परिवर्तन किया है। एक जीती जागती चेतनवंत पार्टी सिर्फ संख्या बल के जोर पर या चुने हुए प्रतिनिधियों के बल पर बहुत बड़ी हुई पार्टी नहीं, लेकिन जन सामान्य के दिलों में जगह बना करके बनी हुई पार्टी, इस रूप में हम लोगों ने जगह पाई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। उस गर्व को हम, उस यात्रा के हम सब सहयात्री हैं, हम उसके सहभागी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी विशेषता रही है कि पार्टी चले लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार को विद इन पार्टी मजबूती मिलती रहे। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है कि हम एक सुचारू रंग से चलने वाली व्यवस्था से जुड़े हुए दल की तरह आगे बढ़ना चाहिए। हम कोई टेम्पररी यहां आए नहीं है, हम लंबे अरसे तक मां भारती की सेवा करने के लिए आए हुए लोग हैं। सदियों तक ये काम करना है। और जिन आशा अपेक्षाओं से इस दल का जन्म हुआ है उसको पूरे किए बिना चैन से बैठना नहीं है। और इसलिए व्यवस्थाएं चाहिए, कार्यालयों की रचना हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग हो, विश्वव्यापी संपर्क की आवश्यकता हो, ऐसे हर पैरामीटर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, अपनी जगह बनाई है। और इस काम में
अमित भाई का कार्यकाल हमेशा हमेशा याद रहेगा।